साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों मेरा जो चैनल, इसको मेन मकसद बनाने का है, जब भी कोई भाई अगर विदेश में रोजगार से संबंधित जाता है, उसको सही गाइडलाइन, बिल्कुल सही तरीके से उनको गाइड किया जाए। और इसका फायदा आपको ये होता है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप ठगी का शिकार होने से बच सके। मेन मेरा साथियों टारगेट है ठगी का शिकार होने से बच सके। तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि वो चैनल सब्सक्राइब होते ही, जैसे मैं हर रोज़ नए वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और एक साइड में बेल आइकन का जो बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके और आप वीडियो को देख के आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिल सके, जिससे आप भविष्य में कभी भी ठगी का शिकार होने से बच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं साथियों, कि कनाडा अगर कोई जाना चाहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कनाडा का वीज़ा कितने प्रकार का है। तो साथियों मैंने जहाँ तक मुझे पता है, कनाडा के चार तरीके के वीज़ा होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वीज़ा, स्कूलिंग वीज़ा आता है, उसी के नाम से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं बता दूंगा आगे। स्कूलिंग वीज़ा हो गया फार्मर वीज़ा, जिसको फार्मेसिंग वीज़ा बोलते हैं साथियों। तीसरा वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा। जी हाँ साथियों, टूरिस्ट वीज़ा घूमने का वीज़ा होता है, विजिट टूर वहाँ पर जाके जॉब भी कर सकते हैं। और चौथा वीज़ा साथियों होता है स्किल्ड वीज़ा सर्विस, यानी जो हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए स्किल वीज़ा होता है, वो अलग से वीज़ा। चार कैटेगरी वीज़ा की होती हैं साथियों। आज मैं बात करूंगा दो वीज़ा पे, एक तो स्कूलिंग वीज़ा और एक फार्मर वीज़ा, क्योंकि पिछले वाले दो, आगे वाले दो वीज़ा उनके बारे में मैंने पहले बता दिया। स्कूलिंग वीज़ा की बात करेंगे साथियों, इंडिया में खास तौर से स्कूलिंग वीज़ा के नाम से ज़्यादा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है कि स्टूडेंट लाइफ के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़ी कंट्रियों में जाने की सोचते हैं, ठीक है। तो उनको एक झांसा दिया जाता है कि आपको स्कूलिंग वीज़ा मैं दे दूंगा, यहाँ से आपका स्टूडेंट वीज़ा बना के भेज देंगे और वहाँ जाके आप अच्छा साथ में जॉब भी कर लेना, साथ में पढ़ भी लेना, बहुत पैसा ये वो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इसमें लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको, 5% भी इंडिया में स्कूलिंग वीज़ा नहीं लगता साथियों। इसका मोटा सा रीज़न एक ही है, लोगों, हालांकि एजेंटों को इन चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है, जिनको नॉलेज है वो उनको बताते भी नहीं। इसका एक ही रीज़न है साथियों, कि मान लीजिए एक फादर अपने बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा के लिए इमिग्रेशन क्लियर करवाता है, उसका जो एक फॉर्म सबमिट होता है, उस फॉर्म में उसकी इनकम लिखी जाती है, मंथली 50,000 से 70,000 रुपये वो मंथली इनकम है उसकी, ठीक है। और वो बच्चे के साथ इमिग्रेशन जाता है, इमिग्रेशन अधिकारी उनको पूछ लेता है भाई आपकी इनकम मंथली, तो वो देखता है 50,000 से 70,000 मंथली। अब उसके एक मन में डाउट ये होता है, यार वहाँ पे 5,00,000 रुपये महीने का खर्चा है और ये आदमी 50 से 70,000 इंडिया में कमा रहा है, तो ये कैसे करेगा वहाँ पे, सोचने की बात है ना। तो ये एक एक सिस्टम होता है, एजेंट फादर को झांसा ये देता है कि तू तेरे बच्चे के नाम से इसका भी वीज़ा मिल जाएगा, फिर तू इसके साथ चले जाना कि भाई बच्चे को मेरे को पढ़ाना उधर में, तो मैं उधर रहूँगा, तो तू आप वहाँ पे जॉब कर लेना, अच्छे पैसे दोनों बाप बेटे मिलके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आती, यार जो आदमी 50 से 70,000 रुपये मंथली इनकम है, वहाँ पे 5,00,000 रुपये महीने का खर्चा है, तो इमिग्रेशन क्लियर कैसे होगा, इमिग्रेशन अधिकारी क्या ये उसको यस कर देगा, इमिग्रेशन फेल तो होना ही उसमें नो डाउट। लेकिन ये एजेंट उनको नहीं बताते, एजेंटों का मतलब इस नाम से 10-20-30 जितना भी पैसा लिया जाए लेने का काम है साथियों। तो इस चीज़ से आप बचें, हमेशा ध्यान रखें। सेकेंड इसमें फार्मर वीज़ा की बात मैं करूँगा साथियों। फार्मर वीज़ा खेती बाड़ी का के नाम से ये वीज़ा होता है, उसमें नहीं होता तो यार तेरे को किसान बना के भेज देते हैं, वहाँ किसानी में बहुत पैसा है, तू ये करना तो वो करना, 20 लाख रुपए लगेंगे, अब वो बेचारा अपने ज़मीन जायदाद जेवर सब कुछ बेच बाच के 20 लाख रुपए उसको दे देता है। लेकिन उनको ये नहीं पता साथियों कि फार्मेसिंग वीज़ा में $3,00,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए, $3,00,000 इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसका काम होता है, उसके बावजूद भी $5,00,000 उसके अकाउंट में बैलेंस शो करना चाहिए। $5,00,000 कितना होता है, एक किसान आदमी के पास अगर इतना पैसा है तो फिर वो कनाडा जाने की ज़रूरत क्या है। ये चीज़ें कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हैं बाकायदा, लेकिन ये इन लोगों को सबको पता नहीं होता, एजेंट भी इनको बताते नहीं है, जिनको पता होता है वो भी नहीं बताते। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए साथियों, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम कभी आती है तो ये वीडियो आपके उनके लिए काम की है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें इन चीज़ों में, झांसे में ना आएँ। और अगर ये क्या होता है कि एक बूम है कि अपने को तो जाना है, बस घर घर बेच बाज, प्रॉपर्टी बेच बाज के एक बार कनाडा पहुंच जाएं, बस
फिर अपना पता नहीं क्या करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वो पैसा गया, घर गया, प्रॉपर्टी, परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी बंदा पता लगता है इंडिया में खेत खेती में काम कर रहा है। ये सच्चाई है साथियों, खास तौर से पंजाब के लोगों की। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, अगर आपके साथ ऐसी घटना फेस होती है तो शायद आपके कुछ समझ में आ सके। कुछ क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हर रोज़ मैं नए वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके पास समय से पहले पहुँचते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।